फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल नॉलेज ट्रिक विद निशु। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर जो टेंथ के बोर्ड मतलब एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। सो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हाउ टू डू गुड मार्क्स एंड गुड स्कोर्स इन टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, आपको इस वीडियो में बताऊंगी गाइस कि आपको टेंथ बोर्ड में गुड एग्जामिनेशंस जो है वो कैसे आपको परफेक्ट एकदम मार्क्स अचीव करना है, देन गुड स्कोर लाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गाइस कि टेंथ की जो बोर्ड होती है, जो एग्जामिनेशंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है टेंथ और ट्वेल्थ की। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे गुड स्कोर, गुड मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस बता दूँ कि देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपका जो बोर्ड की जो सिलेबस है, ठीक है, तो वो चीज़ को तो हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशंस करते हैं, बट आपके जो है वो तरीके होने चाहिए प्रिपरेशंस करने के, है ना। बहुत सारे हम क्वेश्चंस को रिवीजन करते याद करते हैं, बट उसकी जो तरीका होता है वो हमें नहीं पता होता है, ठीक से हम उसे जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर दो तीन टिप्स बताऊँगी जो आप फॉलो करेंगे गाइस, तो आपकी अच्छी जो है वो मार्क्स ज़रूर आएगी, अच्छी परसेंटेज ज़रूर आएगी। मैं आपको बता दूं कि देखिए होता क्या है गाइस कि यहाँ पे आपको सबसे पहले, है ना, उन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको लगा कि हाँ एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, अब करेंगे क्या कैसे, तो यहाँ पे ऐसे करना क्या है, देखो गाइस यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर होते हैं, सजेशंस होते हैं, ये आपको गाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दो टिप्स बता रही हूँ जो फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, एक तो आप टेस्ट पेपर सजेशंस के जो भी नोट्स वगैरह होते हैं इसे ज़रूर फॉलो करना गाइस, और दूसरी बात ये कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे एक बार रिवीजन ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कुछ भी नोट्स बनाते हैं, फिर उसे याद करते हैं और किसी अलमारी के कोने में रख देते हैं, फिर उसने क्या पढ़ी कोई याद ही नहीं होता, उसे रिवीजन ही नहीं करते। तो गाइस, रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी होना चाहिए कि एग्ज़ाम के मतलब जैसे वन वीक पहले आपका पूरा कम्प्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, और वन वीक में गाइस आपके जितने भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको सिर्फ रिवीजन करो गाइस। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी याद करना शुरू करते हैं, तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका जो कंफ्यूजन होता है, माइंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि रिवीजन करें कि याद करें कि क्या करें, है ना। तो इस तरह से आपको जो है वन वीक सिर्फ एग्ज़ाम के, वन वीक बोर्ड एग्ज़ाम के सिर्फ वन वीक आपका रिवीजन करने का टाइम देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइस मैं बताऊँ कि टेस्ट पेपर सजेशन आप ज़रूर फॉलो करें गाइस, इससे आपको गाइड मिल जाती है, ठीक है, उसमें आपके जो प्रैक्टिस करने का जो उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको मिल जाती है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। तो दूसरा मैंने बताया गाइस कि आप टेस्ट पेपर सजेशंस जो कुछ भी है आप थोड़ा ज़रूर से देखें, फॉलो करें। और पहला मैंने बताया गाइस कि जो भी है आपका वो एग्ज़ाम के वन वीक के पहले आपका सारी सिलेबस जो है वो कम्प्लीट होनी चाहिए, सिर्फ वन वीक आपका रिविज़न का होना चाहिए। तो ये दो तीन टिप्स आप फॉलो करते हैं गाइस तो आपकी अच्छी स्कोर आ सकती है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो से लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत ही बेनिफिट हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लेटर, बाय, सी यू अगेन।